पार्ट थ्री में हम देख चुके हैं गोमिरेन डोंगचेन और नाहेंग को बातें करता देख लेती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट फोर से पहले पार्ट थ्री भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट फोर में हम देखते हैं गोमिरेन सैड होकर चली जाती है। नाहयंग डोंगचेन से एक दूसरा मौका मांगती है, पर डोंगचेन कहता है मैं सिर्फ अब तुमसे नफरत करता हूँ। इधर गोमिरेन खुद से कह रही होती है वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसने उसका 20 सालों तक इंतजार किया। कम से कम फ्रोजन होने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, पर मेरा क्या, और खम्बे से टकरा जाती है। कुछ लेडीज ओपा ओपा करती हुई डोंगचेन के पीछे पड़ जाती हैं और डर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सियोन ब्योंगशिम को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रही होती है तो जीहून कहता है अनहैप्पी मैरिज से हैप्पी डाइवोर्स ज्यादा अच्छा है, आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे मुझे वो मंजूर होगा। गोमिरेन को देख डोंगचेन कहता है तुम कल वापस क्यों चली गई थी, मैंने कहा था ना मुझे अपने टेम्परेचर की टाइम टू टाइम खबर देते रहना। गोमिरेन कहती है मुझे जाना ही पड़ा, तुम दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, कोई रोमांटिक सा सीन लग रहा था। डोंगचेन कहता है तुम्हें मुझे अपने टेम्परेचर के बारे में बताना होगा चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। अगर मैं किसी वोमेन के साथ होटल में भी हूँ ना तब भी वहाँ आने में एक मिनट के लिए भी मत झिझकना। गोमिरेन कहती है इसे क्या हुआ, इसके नेटवर्क ढीले हो गए क्या। इधर गोमिरेन के मॉम डैड रूफटॉप को रेंट पर देने की पोस्ट डाल देते हैं। कीबियोम किसी काम से अपनी कार से बाहर आता है तभी उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है, ये देख वो हैरान था। ये दोनों टकरा जाते हैं तो डोंगचेन गोमिरेन का हाथ पकड़ उसकी वॉच में देखता है कि टेम्परेचर 31.6 डिग्री सेल्सियस और हार्ट रेट 108 है, तो कहता है तुम्हारी हार्ट रेट क्यों बढ़ रही है, देखो अगर तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए अपनी हार्ट रेट मत बढ़ने देना। तो ना ही भागना, ना ही ओवर एक्साइट होना, और ना ही इरोटिक वीडियोस देखना। गोमिरेन कहती है मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही देखते होगे इरोटिक वीडियोस। फिर वो सियोन से पूछती है तुमने उससे शादी क्यों की, तो सियोन बताती है कि वो उस टाइम ड्रंक था और मैं प्रेग्नेंट हो गई इसलिए शादी करनी पड़ी। इनफैक्ट वो ब्योंगशिम को पहले से ही लाइक करती थी, पर उसने ये बात गोमिरेन को कभी भी नहीं बताई। वो अभी इस रिलेशन को खत्म करने वाली थी क्योंकि ब्योंगशिम उसे लाइक नहीं करता। कीबियोम की कार एक्सप्लोड होने की खबर सुन डोंगचेन परेशान होता है और वो उन लोगों के बारे में पूछता है जो अभी भी कैप्सूल में थे, पर कीबियोम को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। इधर कीबियोम को मारने में अनसक्सेसफुल होने पर लीहुंग को अपने आदमी पर गुस्सा आ रहा था। गोमिरेन ब्योंगशिम को कहती है अगर तुमने सियोन को परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी ब्योंगशिम कहता है मैं उसे नहीं, वो मुझे पीटती है। डोंगचेन नाहयंग को कीबियोम पर हुए अटैक को न्यूज पर ब्रॉडकास्ट करने को कहता है तो वो हाँ करके कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। डोंगचेन कहता है मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अगर तुम्हें हेल्प करनी ही है तो गोमिरेन को प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। जीहून के फ्रेंड को एक लड़की के साथ देख गोमिरेन जीहून से पूछती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी है ना। जीहून कहता है अब तक तो नहीं, उसने डेटिंग नहीं की पर कुछ तो है। गोमिरेन कहती है इसका मतलब डेटिंग से पहले कुछ होता है, वैसे कुछ का मतलब क्या है। जीहून कहता है मान लो मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, तो हम कहेंगे हमारे बीच में कुछ तो है, वैसे क्या तुम्हारा कुछ है। गोमिरेन कहती है था, पर जिसे मैंने डेटिंग की थी वो गधा निकला। पर तभी डोंगचेन का फोन आते ही वो चली जाती है। डोंगचेन उसे गुस्से से कहता है तुम्हें इतनी तेज भागना नहीं चाहिए, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, तुमने खाना खाया। गोमिरेन कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। डोंगचेन कहता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, चलो खाने चलो। जब वो खाना खा रही थी तो उसके बाल खाने से टच हो रहे थे, ये देख डोंगचेन उसके बाल पीछे कर देता है तो वो उसे देखने लग जाती है और पूछती है क्या तुम्हारा भी कुछ है। डोंगचेन कहता है कुछ क्या मतलब है इसका। गोमिरेन कहती है तुम सही में आदिवासी रहोगे, कुछ का मतलब है डेटिंग से पहले किसी को पसंद करना। डोंगचेन उसे देखने लगता है। मीटिंग में गोमिरेन ने रिवर्स टाइम प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था तो डोंगचेन सबको इसके बारे में समझाता है। इस प्रोजेक्ट में अडल्ट अपने 20 साल पहले का एक्सपीरियंस शो करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम होगा गोगो 99। सबको ये आइडिया अच्छा लगता है तो डोंगचेन गोमिरेन से कहता है हमें शो के लिए अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी होगी। फिर सब एक साथ डिनर पर आते हैं, पीडी गोमिरेन को ड्रिंक करने को देता है
तो डोंगचेन कहता है वो ड्रिंक नहीं कर सकती। सब ड्रिंक कर रहे थे पर इन दोनों को छोड़कर, तो वो दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। फिर वो सब डांस करतब दिखाते हैं। जब डोंगचेन एक सैड सॉन्ग गाता है जिसे सुन गोमिरन इमोशनल हो जाती है, फिर वो उसे छोड़ने आता है और कहता है कल के लिए याद से फीवर रिड्यूसर इंजेक्शन रख लेना। तभी वहाँ नामते आता है जो डोंगचेन को मिस्टर फ्रोजन ह्यूमन कहता है। उसे देख डोंगचेन समझ जाता है कि गोमिरन ने फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट अपने भाई की वजह से किया था। डोंगचेन की हड्डियों में पेन हो रहा था तो डोंगचेन उसे गले लगाकर कहता है मेरे भाई तुम इतने बूढ़े क्यों हो गए। तभी डोंगू आकर कहती है तुम्हें सिर्फ इसकी परवाह है, मेरी भी करो, मेरा दिल दुख रहा है। तो वो उसे भी गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे वो दोनों शो के लिए लोकेशन ढूंढने आए थे पर वो ढूंढते ढूंढते काफी आगे निकल जाते हैं। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे और गर्मी से उनका बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वापस जाने लगते हैं पर वो जंगल में ही रास्ता भटक जाते हैं। दोनों का टेम्परेचर बढ़ने लगा था तो गोमिरन बेहोश होने लगती है तो डोंगचेन इंजेक्शन लेने को कहता है पर गोमिरन तो अपना इंजेक्शन लाना भूल गई थी और वो बेहोश हो जाती है तो वो अपना इंजेक्शन उसे लगा देता है पर खुद बेहोश होकर गिर जाता है। टेम्परेचर घटने पर गोमिरन को होश आता है तो वो देखती है कि डोंगचेन बेहोश है तो वो रो रो कर उसे उठाने लगती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है जिससे उसका टेम्परेचर कम होने पर डोंगचेन को भी होश आ जाता है तो वो उसे रोते रोते किस कर लेती है। डोंगचेन शॉक में था, किस करते ही गोमिरन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें वापस जाने के लिए सवारी मिल गई थी पर दोनों एक दूसरे को ही देखने में नर्वस फील कर रहे थे। दोनों को गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन करने लगते हैं पर हाथ टच हो जाते हैं और फिर दोनों नर्वस। गोमिरन मुंह छुपा रही थी इससे डोंगचेन हंस पड़ता है। जब वो जाने लगती है तो डोंगचेन कहता है तुम्हें कुछ कहना नहीं है। गोमिरन कहती है नहीं और भाग जाती है। फिर गोमिरन फोन पर उसे कहती है किस करने के लिए सॉरी, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ इसलिए मैं मरने से पहले किसी को किस करना चाहती थी पर मैं नहीं मरी और अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। डोंगचेन कहता है तुम इसके लिए माफी कैसे मांग सकती हो। गोमिरन कहती है तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो है ना, कोई बात नहीं मैं माफी का इंतजार करूंगी। और फोन काट कर कहती है ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं सच में मर जाती। डोंगचेन कहता है उसने ऐसे क्यों कहा, क्या वो उसकी पहली किस थी, ये कैसे हो सकता है। ब्योंगशिम रहने के लिए रूम ढूंढ रहा था जब वो गोमिरन के रूफटॉप वाली रेंट की पोस्ट को देखता है तो कहता है अब तो भगवान भी मुझे मेरे फर्स्ट लव से मिलवाना चाहता है, यही तेरी किस्मत है ब्योंगशिम। इधर गोमिरन को अपने किए पर गुस्सा आ रहा था इसलिए वो बर्फ खाती हुई घर से बाहर घूमने निकल जाती है। तभी घर पर ब्योंगशिम आता है। मैनेजर डोंगचेन को एक मीटिंग में लाए थे। लीहंग को देख डोंगचेन को याद आता है कि उसकी शक्ल तो सेम कैप्सूल में रखे लीस्युक से मिलती है। इधर ब्योंगशिम गोमिरन के फादर के साथ रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर देता है पर गोमिरन को देख छुप जाता है। रात में खराटे मारते मारते प्रोफेसर नींद से उठकर चलने लगते हैं पर गिर जाते हैं क्योंकि नामते ने उन्हें बांध रखा था। नेक्स्ट डे एक लड़की डोंगचेन को स्माइल करती हुई कोल्ड ड्रिंक देती है जिसे देख गोमिरन को गुस्सा आ रहा था पर डोंगचेन को देखते ही मुंह छुपाकर काम करने लग जाती है। वो उसे देखता है पर वो इधर उधर झांकने लगती है। ह्योंगी आकर सबको हैरासमेंट रिपोर्ट के बारे में बताता है, किसी को भी फिजिकली टच करना यहाँ तक कि मसाज करना हैरासमेंट माना जाएगा, ड्रिंक करके फीमेल को किस करने पर जेल होगी, इसलिए अपने डिजायर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना। गोमिरन और डोंगचेन एक दूसरे को देखते हैं तो वो मुंह नीचे कर लेती है। पीडी पूछता है ये क्या बात हुई, लड़का ड्रिंक करके लड़की को किस करे तो वो हैरासमेंट है पर लड़की ड्रिंक करके लड़के को किस करे वो हैरासमेंट नहीं है। गर्ल कहती है अबे दोनों का मतलब सेम ही है। ह्योंगी कहता है लड़का लड़की को अपने आप को किस क्यों करने देगा, वो स्टूपिड थोड़ी ना होगा। डोंगचेन को फंदा लग जाता है पर गोमिरन मुंह छुपाए बैठी थी। फिर गोमिरन उसे अकेले में बात करने बुलाती है और कहती है सॉरी मैंने बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें किस किया। डोंगचेन कहता है तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो लड़के को किस करने पर माफी मांग रही हो। गोमिरन कहती है इसके बदले में मुझे जो 70 बिलियन मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हें 2 बिलियन दे दूंगी। डोंगचेन कहता है किसके लिए 2 बिलियन। गोमिरन कहती है ज्यादा लग रहे होंगे है ना। डोंगचेन कहता है 2 बिलियन मेरा मजाक उड़ा रही हो, क्या मैं तुम्हारा सेक्स कमोडिटी हूँ। गोमिरन कहती है तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे बड़ा मजा आया था, मैंने अपनी फर्स्ट किस भी खो दी फिर भी माफी मांग रही हूँ तो चुपचाप माफ कर दो। और भागने लगती है।
डोंगचेन उसे पकड़कर एक कोने में लाता है और कहता है, किसको ही ऐसी चीज थोड़ी ना है जिसके लिए माफी मांगी जाए। गलती से पैर रखा जाए या पीट दिया हो या ड्रिंक करके काट लिया हो, इसके लिए तो माफी मांग सकते हैं, पर किस थोड़ी ना। ये एक इमोशनल एक्ट है। मुझे भी पहली बार किसी लड़की ने ऐसे किस किया है, पर तुम्हारे लिए तो ये मजाक है। गोमिरन कहती है, ये मजाक नहीं था, मैंने इससे सॉरी मांगा क्योंकि मैं एम्बेरस फील कर रही थी। डोंगचेन कहता है, ओके, पर सबको ये बताकर फुकरी मत मारना। गोमिरन कहती है, इसमें फुकरी मारने वाली कौन सी बात है, बल्कि फुकरी तो तुम मारोगे। डोंगचेन कहता है, मैं क्यों सबसे कहूंगा, मैं ही तो विक्टिम हूँ, कितने एम्बेरसमेंट की बात है। गोमिरन कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरसमेंट हुआ। डोंगचेन पूछता है, अगर उस टाइम उसी सिचुएशन में मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसे भी किस करती। गोमिरन उसे देखने लगती है और कहती है, नहीं, मैं किसी और को किस नहीं करती। उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा था। डोंगचेन कहता है, ठीक है, तो माफी मत मांगो। नाहयंग को किसी का कॉल आता है जो बताती है कि वो बता सकती है किसने कीबियोम की कार में ब्लास्ट करवाया था, पर शर्त थी कि डोंगचेन को भी साथ आना होगा। तो वो डोंगचेन को वो वीडियो दिखाकर सारी बात बताती है। फोन चलाने की वजह से वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, तो डोंगचेन कहता है, तुम इतना फोन चलाती हो, सारा इंटरनेट खत्म करोगी क्या, वाईफाई की भी लिमिट होती है, बाकी सब कैसे काम करेंगे। गोमिरन कहती है, पर वहाँ तो लिखा था अनलिमिटेड डाटा। डोंगचेन कहता है, इसका मतलब सच में अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। वही फॉर्चून टेलर गोमिरन से मिलने आती है और डोंगचेन को देख उससे कहती है, वो वही है, मैंने कहा था ना 20 साल के बाद तुम अपने डेस्टिनी लवर से मिलोगी, तो वो वही है। गोमिरन भी डोंगचेन को देखने लगती है, पर डोंगचेन लोकेशन ढूंढने जाने लगता है तो वो सैड हो जाती है। वो वापस आकर कहता है, इंजेक्शन लेना मत भूलना, सिर्फ ठंडी जगह पर जाना, और बाय कर चला जाता है। इधर ब्योंगशिम गोमिरन के रूफटॉप पर शिफ्ट हो जाता है। कीबियोम डोंगचेन को बताता है कि इंजेक्शन को सिर्फ दिन में एक बार लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए ये काम नहीं करेगा, यानी तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कोशिश करो कि टेम्परेचर ना बढ़े। वो ये बात गोमिरन को मैसेज करता है कि इंजेक्शन दिन में एक से ज्यादा बार मत लेना। ये पढ़ते ही उसे याद आता है कि डोंगचेन ने अपना इंजेक्शन उसे लगा दिया था और उसका टेम्परेचर और हार्ट बीट दोनों बढ़ने लगती है। गोमिरन के बारे में सोचने पर डोंगचेन की भी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे गोमिरन और जीहुन दोनों घूमने आते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। उसे डोंगचेन लोकेशन सेंड करता है तो वो भी उसे अपनी फोटो सेंड कर देती है, जिसे देख डोंगचेन कहता है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। काम के सिलसिले में डोंगचेन वहीं पर एक होटल में रुक गया था, इसलिए नाहयंग भी उसी होटल में अपना रूम बुक कर लेती है और डोंगचेन को फोन करके कहती है, मैं भी इसी होटल में हूँ, रूम नंबर 807। पर डोंगचेन उसके पास नहीं आता, वो उसका वेट कर रही थी। तभी डोंगचेन आता है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि ये तो बस नाहयंग की इमेजिनेशन थी, इसलिए वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे गोमिरन डोंगचेन के लिए गिफ्ट लाई थी, जिसे देख डोंगचेन खुश हो जाता है। गोमिरन उसे कहती है, तुमने वो वाईफाई वाली बात पर मुझे झूठ क्यों बोला, खुद को तो कुछ पता नहीं है, जो पहन रखा है ना इसे कहते हैं स्वैग। तो वो हंस पड़ता है। गोमिरन को उसकी फ्रेंड से मैसेज आता है, मुझे 5 मिलियन वॉन सेंड करना, मेरा फोन खराब हो गया इसलिए किसी और के फोन से मैसेज किया, बाद में वापस कर दूंगी। पर गोमिरन के अकाउंट में सिर्फ 80,000 वॉन थे, इसलिए वो वही सेंड कर देती है। पर फिर पता चलता है कि ये तो स्कैम था। वो पुलिस में रिपोर्ट करने आई थी तो पुलिस कहती है, आपका फोन हैक किया गया, ये वॉइस फिशिंग है। पर उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। इधर डोंगचेन देखता है कि गोमिरन यहाँ नहीं है, तो वो उसे कॉल करता है पर नहीं लगता, क्योंकि गोमिरन अपना फोन स्विच ऑफ कर ड्रिंक करने में लगी हुई थी। डोंगचेन को वार्निंग आती है कि गोमिरन का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहीं पहुंच जाता है और पूछता है, तुमने ड्रिंक किया। गोमिरन कहती है, हाँ, मैंने ड्रिंक से पहले इंजेक्शन ले लिया था, मैं सैड थी तो मैंने वही किया जो सब करते हैं। डोंगचेन कहता है, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो। गोमिरन कहती है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, अब से मेरी चिंता छोड़, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अगर कुछ गलत होगा तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, और जाने लगती है। डोंगचेन उसे कहता है, ऐसी एक्टिंग मत करो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। गोमिरन उसे देखने लगती है और उन दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा था। और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है।